कलेक्शन ऑफ एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? वो पीटी के एक्स्ट्रा जी मैथ है जी। एरर्स क्या होते हैं? मिस्टेक्स, गलतियां। अच्छा जी, तो ये बताएं कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। अभी आपने जैसे अकाउंटिंग पढ़ी है, इसमें अब तक आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी उसमें क्या क्या मिस्टेक्स किए आप लोगों ने? अमाउंट गलत लिख दी, कैलकुलेशन गलत की, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की, कोई एंट्री मिस हो गई, नाम गलत लिख दिया, अकाउंट अकाउंट गलत, काउंटिंग गलत की, एडिशन क्या गलत की, डबल एंट्री जो की वो बताएगा, जो की है वो बताएगा, जो पढ़ के आए वो नहीं बताना, ठीक है। और क्या किया? गलती है आपने तो कर, गलती है आपसे मुझे ये पूछता, आपने सही क्या किया ये बताया, ये पूछना चाहिए, आपको तो पता है मुझे वो है स्पेशल केस, स्पेशल एक्स्ट्रा। अच्छा देखिए, एरर्स ठीक है, कई तरह के हो सकते हैं, गलतियां, मिस्टेक्स, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, अमाउंट गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गई। अच्छा, जितने भी एरर्स होते हैं इन्हें हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज, जितने भी एरर्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले वो कैटेगरीज लिख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर किस किस कैटेगरी में कौन से एरर्स आते हैं। दो कैटेगरीज हैं, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और सेकंड एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बाकी तीन नाम और हैं, तीन नाम और। ये दो कैटेगरीज हैं जिनमें हम एरर्स को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है? Errors not affecting trial balance means है कि ये वो errors हैं कि जो जब exist कर रहे होते हैं तो आपका trial balance equal आता है, मतलब ये वो errors हैं जिनका trial balance पे कोई effect नहीं होता, आप trial balance बनाएंगे तो भी उसके दोनों साइड इक्वल आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए आप, ठीक है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, ledgers बन गए, सब कुछ ठीक, trial balance बनाएंगे इक्वल आएगा नहीं आएगा? इक्वल आएगा। एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब ट्रांजेक्शन हुई नहीं, वो ट्रांजेक्शन इक्वल है और ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल आएगा, इक्वल ही आएगा। एक्चुअल अमाउंट था 1000 का, आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की 100 से, 100 डेबिट, 100 से क्रेडिट, इक्वल आएगा, तब भी इक्वल आएगा क्योंकि जितने से डेबिट कर रहे हैं उतने से आपने क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल होंगे। ये तो हो गए नॉट अफेक्ट, ऐसे टोटल 7 एरर्स होंगे अभी हम पढ़ेंगे। अफेक्टिंग का मतलब क्या है? एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के वो एरर्स हैं जो जब एग्जिस्ट करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, एक साइड का टोटल ज्यादा होगा, एक साइड का टोटल कम होगा। ऐसे आपने कैश सेल्स की 1000 की और एंट्री आपने बनाई कैश डेबिट 100, सेल्स क्रेडिट 1000, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, 900 का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, तो पहले हम पढ़ेंगे एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और बाद में हम पढ़ेंगे एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो पहले इसके नाम लिख लेते हैं, नॉट अफेक्टिंग के कौन कौन से एरर्स होते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी और उसके बाद क्वेश्चन, फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी करेक्शन कैसा ना होता है। पहले नाम लिख लेते हैं, पहला एरर है आपका एरर ऑफ ऑमिशन। ऑमिशन मीन क्या हो गया? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसे कहेंगे एरर ऑफ ऑमिशन के वेयर अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ऑमिटेड फ्रॉम द बॉक्स। सेकेंड एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या है कि दिस एरर अकर्स व्हेन द करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, ब्रैकेट में हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड।
क्या एरर ऑफमिशन के आप कमीशन के आपने ट्रांजेक्शन रॉन्ग अकाउंट में एंट्री की, क्या मतलब हुआ रॉन्ग अकाउंट? तो ये कैश सेल्स की आपने फॉर एग्जांपल तो एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट सेल्स, और रॉन्ग एंट्री क्या बनाई आपने, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, इनके कैश के बजाय आपने बैंक अकाउंट में एंट्री कर रॉन्ग अकाउंट। अच्छा रेंट एक्सपेंस पे किया, तो रेंट एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय आपने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन। अच्छा अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था, आपने लोन पेबल को क्रेडिट कर दिया रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन। तो आपने कंप्यूटर परचेज किया, इक्विपमेंट्स अकाउंट को डेबिट करना था, आपने मोटर व्हीकल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, हेड ऑफ अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि सिर्फ क्या टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज होगा, हेड ऑफ अकाउंट चेंज नहीं होगा, यानी कि एसेट एसेट एक्सपेंस एक्सपेंस लायबिलिटी लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कैश की जगह बैंक लिख दिया आपने, कैश अकाउंट में डेबिट करना था, बैंक अकाउंट में एंट्री कर दी, तो कैश और बैंक दोनों क्या है, एसेट, ठीक है, टाइटल चेंज हो रहा है, नेचर सेम। अकाउंट्स पेबल की जगह लोन पेबल में एंट्री कर दी, दोनों लायबिलिटी है, रेंट एक्सपेंस की जगह सैलरी एक्सपेंस, ये दोनों एक्सपेंस है, ठीक है। तो सिर्फ एरर कमीशन क्या है कि सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो, हेड ऑफ अकाउंट सेम रहे, तो वो कह रहा है एरर ऑफ कमीशन। इसके एग्जांपल लिख भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने गुड्स कैश सेल्स की एंट्री होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश अकाउंट को डेबिट करना था, बैंक अकाउंट को डेबिट कर, टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो गया लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट। सेकंड एंट्री किया, एंट्री बनी है रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई हमने, रेंट एक्सपेंस डेबिट करने की वजह सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया, कैश क्रेडिट। तो लेकिन टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो रहा है लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम, रेंट भी एक्सपेंस है और सैलरी भी, तो ये एरर ऑफ कमीशन के साथ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो, हेड ऑफ अकाउंट सेम है, उसे कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। नहीं, टाइटल एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल, फाइव होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या लिखा है कि व्हेन एन अमाउंट इज एंटर्ड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। देखिए एरर ऑफ कमीशन में क्या था, टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो रहा था लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सेम था। अब ये भी तो हो सकता है कि टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है ना। एसेट को आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी को कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया, इनकम को एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड किया, इनकम को लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, इस तरह से। जहां पे अगर आप टाइटल के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग रिपेयर करवाई तो रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना था, आपने रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो गया, एक्सपेंस की जगह एसेट। मशीन आपने रिपेयर करवाई जैसे, अच्छा बैंक से लोन लिया तो एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, आपने एंट्री क्या बनाई, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, लोन पेबल की जगह कैपिटल आ गया, यानी कि लायबिलिटी की जगह कैपिटल, हेड ऑफ अकाउंट चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ टाइटल हाँ क्या है, कौन दोनों इक्विटी में आता है ना, कैपिटल लायबिलिटी में नहीं आता, सब ठीक है, फर्क है। अच्छा अब हमने ये फर्क करें, मशीन रिपेयर करवाई तो एंट्री क्या होगी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश, ओके। अब एंट्री बनाई क्या हमने, अब रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय मशीन अकाउंट को ही डेबिट कर, मशीन डेबिट कैश। अच्छा अब देखिए इसमें क्या टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो रहे हैं
लेकिन टाइटल के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो गया ना, ये एक्सपेंस और मशीन एसेट्स। क्या एग्जांपल और? अच्छा, हम बैंक से लोन लिया, एंट्री होगी बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट। अच्छा, हमने क्या किया, बैंक को तो डेबिट किया और लोन पेबल को क्रेडिट करने के बजाय कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर। तो देखिए टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हो रहे हैं, लोन पेबल कैपिटल, लेकिन टाइटल के साथ साथ हेड ऑफ अकाउंट भी चेंज हो गया। लोन पेबल लायबिलिटी है और कैपिटल आपका इक्विटी का, तो ये कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर? ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा, ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोज ये मीनिंग पता है? ट्रांसपोज से बना ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज मींस होते हैं रद्दो बदल, ट्रांसफर, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इसको कह सकते हैं ट्रांसपोज। रद्दो बदल, इधर कर दिया उसको, उठा के इधर कर दिया। अच्छा, तो ट्रांसपोजिशन क्या है? वेयर द रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स विद इन अ नंबर वाज एंटर्ड, मतलब सीक्वेंस चेंज हो जाए डिजिट्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्चुअल अमाउंट था फिर 75, रिकॉर्ड आपने किया 57 से, 75 57 सीक्वेंस चेंज। एक्चुअल अमाउंट था 105, रिकॉर्ड आपने किया 501 से, डिजिट सेम है, सीक्वेंस चेंज होता है। ट्रांसपोजिशन एरर क्या है कि डिजिट सेम हो, सीक्वेंस चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या लगा ट्रांसपोजिशन। एक्चुअल अमाउंट था सपोज 123, रिकॉर्ड आपने किया 321 से, ट्रांसपोजिशन एरर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कैश सेल्स की हमने 123 की, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट हो गया 123, और रिकॉर्ड हमने किया इसे कैश डेबिट 321, सेल्स क्रेडिट 321। देखिए डिजिट तो सेम है ना, 1 2 3, यहाँ पे डिजिट वही है 1 2 3, लेकिन सीक्वेंस चेंज हुआ और सीक्वेंस चेंज होने से अमाउंट चेंज हो गया आपका। सेकंड एग्जांपल, इक्विपमेंट्स बाय की हमने 705 की और रिकॉर्ड इसे हमने किया 750 से, 705 को 750 कर दिया। उसमें देखिए डिजिट सेम है 705 और यहाँ पे डिजिट सेम है 705। तो डिजिट सेम है, सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजिशन एरर। नेक्स्ट, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री एरर क्या है कि वेयर द ओरिजिनल फिगर्स इज इनकरेक्ट। अच्छा, ट्रांसपोजिशन में क्या था, डिजिट सेम थे, सीक्वेंस चेंज हो रहा था ना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आपके डिजिट्स चेंज हो जाएं, डिजिट चेंज, 5 को आपने 6 कर दिया, 3 को 8 बना दिया, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि डिजिट्स कम हो जाएं, डिजिट ज्यादा हो जाए, जैसे 0 कम हो गया, 0 ज्यादा हो गया, ठीक। 183 एक्चुअल अमाउंट था, आपने रिकॉर्ड किया 188 कर दिया उसको, राइट। तो यहाँ पे अगर डिजिट्स चेंज हो, डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट्स ज्यादा हो जाए, तो वो कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एग्जांपल देखते हैं, हमने कैश सेल्स की 10,000 की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000 और रिकॉर्ड इसे कि हमने 1,000 कर दिया, कैश डेबिट 1,000 सेल्स क्रेडिट 1,000, 10 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशनरी बाय की हमने 183 की और रिकॉर्ड इसे हमने किया 188 से, 183 को 188 कर, डिजिट्स चेंज हो गए, राइट। तो डिजिट्स कम हो जाए, डिजिट्स ज्यादा हो जाए या डिजिट चेंज हो जाए, तो वो कहलाएगा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट,
एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल. अच्छा नाम से क्लियर है, रिवर्स रिवर्सल. इसमें क्या होगा, आपने डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट में कर दी, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट साइड चेंज. क्या लिखा कि वेयर द करेक्ट अमाउंट इज यूज बट ईच वेयर द करेक्ट अकाउंट इज यूज बट ईच आइटम इज शोन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट. यानी कि डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट हो गई, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट में चली, ठीक है, साइड चेंज हो गई. एग्जाम्पल देख लेते हैं. बैंक से कैश विड्रॉ किया तो एंट्री होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, और एंट्री बनाई क्या हमने, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट. कैश को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया. ये हो गया कंप्लीट रिवर्सल, डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट. सेकेंड एग्जाम्पल, कस्टमर से कैश रिसीव किया, एंट्री होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और अब रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट डेबिट. ये हो गया कंप्लीट रिवर्सल. क्लियर? नेक्स्ट compensating error. Where errors cancel each other out. Compensating error क्या हुआ? मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसे error आ जाएं जो एक दूसरे के effect को cancel कर. तो उन्हें कहेंगे आप compensating errors. Compensate का मतलब तो होता है. Compensate हाँ. क्या अपना compensate करना. हो गई आपको उसके भी आप कुछ कर. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश का आप टोटल कर रहे थे, कैश का टोटल करते हैं, अब आप 2000 ऐड करना भूल गए, ठीक. अब आपने बैंक अकाउंट का टोटल किया, तो बैंक अकाउंट का टोटल करते हुए 2000 आपने ज्यादा ऐड कर लिए, तो कैश कम हो जाएगा, बैंक आपका ज्यादा हो गया. ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल रहेंगे ना, डेबिट साइड कैश भी डेबिट होता है, बैंक भी डेबिट. करेक्शन ऑफ एरर्स. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32.1. इसमें इस तरह से तीन कॉलम बना लेंगे, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री, करेक्शन. तीन कॉलम बनेंगे. अच्छा पहले हम बनाएंगे इसकी ओरिजिनल एंट्री, मीन्स कि जो बननी चाहिए थी, और रॉन्ग एंट्री जो हमने बनाई, और फिर उसकी करेक्शन करेंगे. इसकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल टीम ओर डेबिट सेल्स. ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल एंट्री. अच्छा यहाँ स्पेस कम है तो मैं सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आपके पास स्पेस हो तो आप अकाउंट रिसीवेबल टीम ओर लिख सकते हैं. ए स्लैश आर डैश टीम ओर कर देंगे, टीम ओर डेबिट सेल्स क्रेडिट. अब इसने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई, हैव बीन एंटर्ड इन टीम ओर्स अकाउंट, ठीक है, टीम ओर को गुड सेल की और टीम ओर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया. रॉन्ग एंट्री क्या बनी, अकाउंट रिसीवेबल टीम ओर डेबिट सेल्स क्रेडिट नंबर. हाँ तो क्या हुआ, नाम चेंज हो गया आपके, मिलते जुलते नाम थे, टीम ओर की जगह टीम ऑन आ गया. अच्छा कि क्रेडिट तो हमने सही रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स को क्रेडिट करना था क्रेडिट किया, डेबिट में एरर आ गया, टीम ओर को डेबिट करना था टीम ऑन को डेबिट कर दिया. अब करेक्शन क्या होगी, नाम बाद में डिस्कस करेंगे. अच्छा करेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ हमने टीम ऑन को गलती से डेबिट किया, इसको पहले कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाते हैं. अब टीम ऑन को हमने गलती से डेबिट किया तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और फिर डेबिट करना क्या था, टीम ओर, तो टीम ओर को डेबिट कर देंगे, तो ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, टीम ओर डेबिट टीम ऑन क्रेडिट, ठीक. अच्छा इसको
चेक भी कर सकते हैं करेक्शन को आपने सही किया नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, जो आपने रॉन्ग एंट्री बनाई और जो करेक्शन की, अगर इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर लें तो इसका इफेक्ट ओरिजिनल एंट्री वाला आना चाहिए, उसका मतलब होगा करेक्शन सही। तो देखिए रॉन्ग में हमने टीम ऑन को गलती से डेबिट किया था, ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, क्रेडिट। तो देखिए टीम ऑन डेबिट और टीम ऑन क्रेडिट कैंसिल हो गए, बचा क्या, टीम ऑन डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो वही ओरिजिनल इफेक्ट आ गया, टीम ऑन डेबिट सेल्स क्रेडिट, इट मींस करेक्शन हमारी सही, ठीक। तो इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं दोनों को मर्ज। अच्छा सेकंड बी, एरर बी, परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे फ्रैंक, यही तो पहले इसकी ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं, परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे फ्रैंक, ओरिजिनल एंट्री होगी मशीन डेबिट अकाउंट्स पेबल जे फ्रैंक, ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या बना इसने, had been completely omitted from our books, इनके रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। रॉन्ग एंट्री क्या बनी, रिकॉर्ड करना भूल गए, करेक्शन क्या होगी, यही बन जाएगी सर, रिकॉर्ड कर लेंगे संभल ना, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हम भूल गए, तो जब आपको याद आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे संभल, ठीक। ये एंट्री बन जाएगी मशीन डेबिट अकाउंट्स पेएबल जे फ्रैंक, रॉन्ग इशू नहीं है ना, भूल गए, खाना खाना भूल गए, याद आएगा तो क्या करते हैं, भूलते ही हैं बस, एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, तो जब याद आएगा तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, भूल जाते हैं आप, अरे बोले मैं नहीं हूँ, दो बार याद आ जाता है। अच्छा सी, एरर सी, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर 550, अच्छा ओरिजिनल एंट्री क्या बनी है उसकी, कंप्यूटर परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर 550, इक्विपमेंट्स डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, अच्छा सो मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल एंट्री हो गई, इक्विपमेंट्स डेबिट बैंक क्रेडिट, सही है। क्या बना इसमें, हैव बीन एंटर्ड इन एरर इन द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो रॉन्ग एंट्री क्या बनी, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया वो तो ठीक है, डेबिट में आ रहा है, इक्विपमेंट्स को डेबिट करना था, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो ऑफिस एक्सपेंस को पहले क्रेडिट करते हैं, कैंसिल करने के लिए ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं और इक्विपमेंट्स को डेबिट डेबिट कर, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी, इक्विपमेंट्स डेबिट ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक। चेक करते हैं तो देखें ये ऑफिस एक्सपेंस हमने गलती से डेबिट किए थे, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल, बचा क्या आपके पास, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, तो वही ओरिजिनल इफेक्ट आ गया, करेक्शन सही। एरर डी, ये जरा समझना है, सेल ऑफ 120 टू बी बोर्ड, पहले ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं, सेल ऑफ 120 टू बी बोर्ड, ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल बी वुड डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये तो हो गया ओरिजिनल एंट्री। रॉन्ग क्या बना इसने, हैव बीन एंटर्ड इन द बुक्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एज 102, यानी कि ट्रांसपोजिशन, 120 की सेल की रिकॉर्ड किया उसने 102 से, एंट्री हो गया अकाउंट रिसीवेबल बी वुड डेबिट 102 सेल्स क्रेडिट 102, अच्छा एरर क्या हो कि कम रिकॉर्ड या तो रिकॉर्ड करना था कम से रिकॉर्ड, अब क्या करेंगे, डिफरेंस लेते हैं दोनों का 18, डिफरेंस आएगा 18, अब 18 से मजीद रिकॉर्ड कर लेंगे, तो 18 से एंट्री हो जाएगी बी वुड डेबिट 18 सेल्स क्रेडिट 18, चेक करते हैं, लेकिन बी वुड को हमने डेबिट किया 102 से और फिर डेबिट किया 18 से, डेबिट डेबिट क्या होंगे, प्लस प्लस होके कितने हो गया 120, सही हो गया, सेल्स को हमने क्रेडिट किया 102 से, तो मजीद क्रेडिट करेंगे 18 से,
क्रेडिट क्रेडिट ऐड होकर 120 बन गए 120 सही हो गए। तो कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया था कलेक्शन करने के लिए डिफरेंस से मजीद इसको रिकॉर्ड कर लेंगे सेम है वही एंट्री बन जाएगी सेम क्या सही अच्छा नेक्स्ट कमीशन रिसीव कमीशन रिसीव हो रहा है ओरिजिनल एंट्री क्या होगी कैश या बैंक डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाए ठीक है बैंक डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट रॉन्ग एंट्री क्या बने इसने है बीन एंटर्ड इन अदर सेल्स अकाउंट यानी कि कमीशन को हमने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड तो रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट अब एरर क्या हुआ इसमें कमीशन इनकम को क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया सेल्स को डेबिट कर अब सेल्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर उसको भी बात बात करते हैं तो हमने कमीशन इनकम को क्रेडिट करना था सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया तो सेल्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं ठीक है और ये कमीशन इनकम क्रेडिट चेक कर लेते हैं तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया था तो यहां देखिए सेल्स क्रेडिट और ये डेबिट हमने किया तो क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गए बचा क्या आपके पास बैंक डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट ओरिजिनल इफेक्ट आ गया करेक्शन सही कैश डेबिट रिसीवेबल टी प्लेयर क्रेडिट होता है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल टी प्लेयर क्रेडिट रॉन्ग एंट्री क्या बने इसमें एडमिट एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कैश क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ टी प्लेयर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रॉन्ग एंट्री बनी टी प्लेयर डेबिट कैश क्रेडिट अच्छा ये हो गया आपका कंप्लीट रिवर्सल एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट ठीक अब करेक्शन क्या होगी 36 करेक्शन क्या होगी ठीक है एंट्री रिवर्स हो गई है तो इसको सीधा कर देंगे एंट्री तो क्या बनेगी आपकी बच जाएगी कैश डेबिट टी प्लेयर क्रेडिट ये तो एंट्री हो गई ठीक है कि कैश को डेबिट करना था आपने क्रेडिट किया तो यहाँ कैश को डेबिट करेंगे और टी प्लेयर को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया तो टी प्लेयर क्रेडिट हो जाएगा ठीक अमाउंट क्या आएगा अमाउंट जी अमाउंट क्या लिखेंगे अमाउंट क्यों जब हम इसको करेंगे जब क्रेडिट हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा आप पढ़ कर रहे हैं पता है मुझे आपने पढ़ा हुआ है ओके जी देखिए इसकी करेक्शन होगी डबल अमाउंट अब डबल हो जाएगा 68 का डबल 136 ठीक है तो जब भी कंप्लीट रिवर्सल होगी करेक्शन आप करेंगे डबल अमाउंट अच्छा डबल क्यों करेंगे देखिए अगर यहाँ पे आप देखते 68 डेबिट अगर 68 क्रेडिट करते तो क्या होता देखें इसको मर्ज करें अगर चेक करने का जो तरीका मैंने बताया कि टी प्लेयर को हमने डेबिट किया और क्रेडिट करते हैं अगर 68 से तो 68 खत्म हो गया कैंसिल हो जाते हैं जीरो कैश क्रेडिट हुआ 68 से कैश को अगर 68 से डेबिट करते तो वो भी कैंसिल होता इफेक्ट क्या आ जाता है जीरो जाता तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हम एक बार और डेबिट करेंगे 38 68 से और से एक बार और क्रेडिट करेंगे 68 तो 168 68 कैंसिल होगा 168 बच जाएगा 68 68 कैंसिल 68 बच अब यहां हमने इसको 68 से डेबिट किया 136 से क्रेडिट किया तो 136 से
68 माइनस हुए तो बचेगा क्या क्रेडिट में 68, कैश क्रेडिट हुआ 68 से, डबल से हमने डेबिट किया, इसमें से 68 माइनस हो जाएंगे और बच जाएंगे आपके पास 68, वही ओरिजिनल इफेक्ट आ जाएगा। तब याद रखें जब भी कंप्लीट रिवर्सल होगा तो करेक्शन आप करेंगे डबल अमाउंट से, एक अमाउंट उसे कैंसिल करेगा, दूसरा अमाउंट उसको रिकॉर्ड। बीकॉम वालों रिकॉर्ड, अच्छा बच्चों के सामने बरम मारते हैं, हाँ उसके सामने बरम कराए। जिसके एक टी अकाउंट बना के समझा देता आपको बेहतर। अच्छा कैश का टी अकाउंट बनाते हैं, अच्छा एरर ऑफ अपनी रिवर्सल एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अच्छा सपोज करें ये कैश का बैलेंस है आपके पास 1000 का, ठीक है, अभी कस्टमर को आपने गुड्स सेल की 150 की, ठीक है, क्या होगी कैश डेबिट होगा 150 और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे सेल्स, ठीक है। अच्छा बैलेंस क्या आएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा 1150, ये टोटल होगा, ये कैरी डाउन ये ब्रॉट डाउन। अच्छा आपने क्या किया 150 से डेबिट करने के बजाय 150 से क्रेडिट कर दिया, साइड चेंज हो गई, रिवर्स हो गया, अब बैलेंस क्या आएगा आपके पास 850 हो जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा 850, पूरा कितना चाहिए था 1150 और बैलेंस आएगा आपके पास कितना 850। अच्छा देखिए डिफरेंस कितना है इन दोनों का, अगर डिफरेंस निकालें तो कितना बनेगा 300 का डिफरेंस आ गया। तो देखिए साइड चेंज होने से क्या हुआ, इफेक्ट डबल हो गया, एंट्री हमने बनाई 150 से लेकिन इफेक्ट कितने का आ रहा है 300 का, डबल हो गया ना इफेक्ट, बैलेंस आना चाहिए था 1150 लेकिन बैलेंस आ रहा है आपके पास 850, तो डिफरेंस कितना आ गया 300 का, तो साइड चेंज होने से इफेक्ट कितना आया डबल हो गया, ठीक। अच्छा अब करेक्शन करते हैं, अगर हम इसे 150 से डेबिट करें सिंगल अमाउंट से तो बैलेंस क्या बचेगा, कैश अकाउंट का बैलेंस 1000 आएगा, अच्छा और आना कितना चाहिए हमें, लाना कितना है 1150, तो उसको एक बार और अगर डेबिट कर दें 150 से तो बैलेंस आ जाएगा 1150। तो इसको मतलब जब भी रिवर्सल होगी कंप्लीट रिवर्सल तो करेक्शन आप करेंगे डबल अमाउंट से, एक अमाउंट उसको कैंसिल करेगा दूसरा उसे रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो जब भी कंप्लीट रिवर्सल होगा करेक्शन हम करेंगे डबल अमाउंट से, तो यहाँ 68 का डबल हो जाएगा 136, सही। नेक्स्ट लास्ट है आपका जी, परचेज ऑफ गुड्स 372 हैव बीन एंटर्ड ऑन एरर ऑन डेबिट साइड ऑफ डिवाइडर, परचेज ऑफ गुड्स 372 इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, परचेज ऑफ डेबिट बैंक क्रेडिट, रॉन्ग क्या बनी, डेबिट एंटर नहीं एरर ऑन डेबिट साइड ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट, परचेजर्स को डेबिट करने के बजाय ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर रॉन्ग हो गए, ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, अब एरर क्या हुआ, परचेजर्स को डेबिट करना था ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर, अब करेक्शन क्या होगी, अभी ड्रॉइंग्स को नहीं आया गलती से डेबिट किया तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और परचेजर्स अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट कर, करेक्शन हो जाएगी इसकी, परचेजर्स डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट, ओके जी। तो इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट इसको कॉपी कर लें।